नमस्कार, बहुत स्वागत आप तमाम दर्शकों का प्रदेश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। ओलंपिक्स में भारत के लिए बेहद ही शानदार खबर मिल रही है। भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। ओलंपिक्स के फाइनल में विनेश फोगाट पहुंच गई है। बड़ी जानकारी ओलंपिक से इस वक्त की सबसे शानदार खबर मिल रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत के लिए शानदार खबर। भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। फाइनल में एंट्री किया विनेश ने, एक और मेडल पक्का हो गया है भारत के लिए। मंगलवार की बात और आज 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर गुजमेन को 5-0 से शिकस्त दी है। बेहद ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया विनेश ने और अब फाइनल जो मुकाबला है वो 7 अगस्त को होगा। विनेश फोगाट ओलंपिक की महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बन गई हैं। और इसी बीच झुंझुनू से खबर, जहां पर झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना महपालवास गांव की बताई जा रही है, जहां पर युवक पर पहले तलवार से हमला किया गया, उसके बाद इसे गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या से पूरे गांव में खौफ का माहौल है। हत्यारे इतने बेखौफ है कि हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस थाना टीम मौके पर पहुंची और मृतक युवक की जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक 25 साल का अंकित बताया जा रहा है, जिसकी हत्या की गई। महपालवास गांव का ही रहने वाला है अंकित। तो हत्या की इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है, इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वहीं श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में नशा तस्कर के अवैध कब्जे को जेसीबी चलाकर के जमींदोज किया गया है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के वार्ड संख्या 4 में 2 दिनों पहले अवैध निर्माण को मेडिकेटेड नशे की सैकड़ों गोलियां और कैप्सूल यहां से बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने मेडिकेटेड नशे के सप्लायर के अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से धराशायी किया है, तोड़ा है। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से विधायकों को वीर सावरकर मूवी दिखाई गई, हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इसे किनारा किया। इस मौके पर सावरकर को याद करते हुए सीएम ने कहा कि हर किसी को उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सभी विधायकों को वीर सावरकर मूवी दिखाई गई। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि मूवी देखने से कांग्रेस विधायकों ने दूरी बना ली। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर सावरकर ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और ऐसे महापुरुषों की वजह से ही आज ये राष्ट्र है। पूर्ण रूप से हम कहें कि ऐसे मनीषी, ऐसे वीर और ऐसे राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की वजह से है, जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में अपनी जो भूमिका निभाई उनकी आज फिल्म देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष सभी आए हैं और आपको भी आमंत्रित करते हैं। ये मन का भाव होता है, कौन क्या सोचता है ये सभी आप लोग जानते हैं। अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बन रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश की गई है जो इसे बनाने वालों के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है, जो बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सावरकर की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे।
और अगर उसमें वे सफल होते तो देश को आजादी काफी पहले ही मिल गई होती। अब ये भी जान लीजिए कि वीर सावरकर कौन थे। महाराष्ट्र के नासिक में जन्मे सावरकर एक लेखक, कवि, समाजसेवी, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और राजनेता थे और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से काफी प्रभावित थे। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की। 1937 के बाद वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 7 साल तक महासभा के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। उन्हें 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी कैलेंडर में 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी, जिस पर प्रदेश में भारी सियासत हुई थी। ऐसे में मंगलवार को सीएम की ओर से मूवी दिखाए जाने पर भी राजनीति हुई, जब कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद राजधानी जयपुर में 13 दिनों बाद सफाई व्यवस्था फिर से पटरी पर लाने की कोशिश और काम शुरू हुआ। सफाई कर्मचारियों ने शहर में साफ सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया है। हालांकि शहर के कई इलाकों में अभी भी कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं तो कई जगहों पर हालात अब पहले से बेहतर हैं। कचरा ज्यादा होने की वजह से शहर को साफ होने में थोड़ा समय लगेगा और जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से लगातार हड़ताल के चलते जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे। मंत्री जी और हमारे यूडीएस मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके उनके निर्देशन पर उनके द्वारा प्रयास, सकारात्मक प्रयास किए गए स्वच्छता योद्धाओं के लिए उनका फलस्वरूप है कि हड़ताल है वो खत्म हुई है। 13 दिन की हड़ताल हमें 13 महीना पीछे लेकर चली जाती है, क्योंकि जब स्वच्छ सर्वेक्षण का समय हो वो हमारे लिए एक एक दिन बहुत ज़रूरी है। अगले महीने स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आ जाएगी यहाँ। तो वहीं नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कनावट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि नगर निगम ग्रेटर के कार्यकाल का 3/3 कार्यकाल पूरा हो चुका है और बचे 1/3 कार्यकाल में वे बेहतर काम करने पर फोकस करेंगे। हमारा बचा है वो एक बेहतर कार्यकाल के रूप में हम उसको पूरा कर सकें, इस संकल्प के साथ हमने वापस से जन संवाद और समस्या समाधान काम शुरू किया है। इसमें जहां सीधा जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, वहीं हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े, कैसे लिविंग कंडीशंस बढ़े, कैसे जयपुर का सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो, कैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, JVVNL और बाकी की जो संस्थाएं PWD और PHD, उनसे हमारा तारतम्य आपस में बढ़े, सिंक्रोनाइजेशन बेहतर ढंग से बढ़े, ताकि आज हम सड़क बनाते हैं और कल कोई उसको तोड़ देता है या कल कोई और PWD वाले सड़क बनाते हैं और उसको नगर निगम वाले तोड़ देते हैं सीवर लाइन के लिए, ऐसी स्थिति नहीं हो। एक एक पैसे का सदुपयोग हो और एक बेहतर शहर की रचना इन 1.25 सालों के अंदर हम बेहतर फाउंडेशन की कर सकें, इस उद्देश्य के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया है। और अब चलिए बात करेंगे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर और इसकी मांग पर कई दिनों से लगातार प्रदर्शन स्टूडेंट्स का जारी है। आज भी राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, चुनाव बहाली की मांग की है। तो वहीं बीकानेर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन, आगजनी, हल्ला बोल और भारी बवाल। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज होती जा रही है।
मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मेन गेट से बाहर जाकर जेएलएन मार्ग जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान पुलिस ने छात्रों को लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों से पुलिस ने काफी समझाइश की, लेकिन छात्रों ने पुलिस की एक नहीं मानी। इसके बाद पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। पुलिस ने बलपूर्वक एक दर्जन से ज्यादा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। ये आज शुरुआत हो गई है छात्र संघ चुनाव की। जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी, इस विश्वविद्यालय कैंपस की सड़कों पर हम बैठे रहेंगे, खून से खून बहा देंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली करवा के रहेंगे। प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण होने के लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो अब सरकार एक दो दिन में ऐलान कर देगी। अगर सरकार मना करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करेगा, अनेक प्रकार से सरकार का घेराव करेगा। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला, इसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। छात्रों को हिरासत में लेने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में चेहरा काला कर प्रदर्शन भी किया। संयुक्त छात्र मोर्चे में मुख्य रूप से एनएसयूआई के कई पदाधिकारी शामिल रहे, जो प्रभावी रूप से छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन की रणनीति कई दिनों से बना रहे थे। प्रदर्शन की वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी बंद रही। वहीं प्रदर्शन में एबीवीपी के छात्र प्रतिनिधि पूरी तरह से दूर रहे। वहीं बीकानेर में भी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पिछले चार दिनों से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं मंगलवार को छात्रों ने अपने फोन से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग रखी। हमारी मुख्य मांग छात्र संघ चुनाव को लेकर है। चार दिन से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ का जिला प्रशासन इस बात से अचेत है, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। आज मेरी टीम के और डूंगर कॉलेज के छात्रों ने मेरा मनोबल बढ़ाते हुए अपना खून देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री के नाम से आज प्रचार्य जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें छात्र संघ चुनाव हमारी मुख्य मांग है। आपको बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का फैसला किया था, जिसके बाद प्रदेश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने अपने फैसले को नहीं बताया। अब प्रदेश में बीजेपी सरकार में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को समर्थन दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नागपुर से टाइगर का एक जोड़ा लाया गया है। इसमें 4 साल के बाघ का नाम गुलाब है तो 3 साल की बाघिन का नाम है चमेली। इन्हें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मेडिकल मुआयने के बाद पिंजरे में शिफ्ट किया गया है, जहां गुलाब और चमेली को क्वारंटीन में रखने के बाद पब्लिक डिस्प्ले में जनता को दिखाया जाना शुरू किया जाएगा। तो वहीं राजस्थान में सिंजारा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मंगलवार को दौसा में सिंजारा के मौके पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मेहंदी लगवाई। इस मौके पर महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। बारिश की फुहारों के बीच मंगलवार को लोक पर्व सिंजारा मनाया गया। सिंजारे से लेकर रक्षाबंधन तक आने वाले 15 दिनों तक धार्मिक त्योहारों का दौर जारी रहेगा। दौसा में सिंजारा के मौके पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से मेहंदी लगवाई। दौसा में इस बार सिंजारे को देखते हुए एक अभिनव पहल की गई, जिसके माध्यम से दौसा शहर में 25 पॉइंट बनाए गए। इन पॉइंट पर मेहंदी लगाने की एक्सपर्ट लड़कियों को भी बुलाया गया। कल तो आज सिंजारा है, कल तीज है और सब बहन बेटियां आपस में मतलब सिंजारा बेचते हैं और मतलब सब आपस में मेहंदी लगाती है और तीज के दिन सज के सवर के तीज माता पूजते हैं और सब सिंजारा बेचते बेटियों को बहुओं को मतलब लहरिया उड़ाते हैं। सामूहिक रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास की महिलाएं इकट्ठा हुई और मेहंदी लगवाई। इस नवाचार से एक और जहां पारंपरिक त्योहार सिंजारे पर महिलाओं को मेहंदी लगाने का मौका मिला,
तो वहीं दूसरी ओर मेहंदी के क्षेत्र में अपना आजीविका कमाने वाली बालिकाओं को भी प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इस दौरान मेहंदी लगाने वाली लड़कियों के साथ साथ मेहंदी लगवाने वाली महिलाएं भी काफी खुश नजर आई। ये देखो आज सिंजारा है, राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं ना सब मेहंदी लगवाती है। अब आज से पहले तो सब अपने अपने घरों में मेहंदी लगवाती थी, लेकिन आज पहली बार मनीषा जी की वजह से या जिसकी वजह से हम सामूहिक रूप से मेहंदी लगवा रहे हैं, और हमको भी इतना आनंद आ रहा है इस चीज में कि सब बहनें मिलके एक साथ यहाँ बैठ के मेहंदी लगवा रही है। प्रदेश में महिलाओं की लोकप्रिय पर्व सिंजारा की धूम देखने को मिल रही है। मंगलवार को जहाँ सिंजारा मनाया गया, वही बुधवार को तीज का पर्व मनाया जाएगा। सिंजारे के अवसर पर महिलाएं सजती सवरती हुई नजर आती हैं। वहीं नौ विवाहिताओं के ससुराल से सिंजारा आने की भी परंपरा है। ऐसे में पिछले एक वर्ष में जिन लड़कियों की शादी हुई उनके ससुराल से आज सिंजारा आया है, जिसमें लहरिया समेत 16 श्रृंगार का सामान भेजा गया है। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे खेल की, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कमेटी के कार्यकाल में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। आरसीए की एड हॉक कमेटी की ओर से करवाई जा रही जांच रिपोर्ट में ये खेल और खिलाड़ियों के नाम पर भारी अनियमितताएं बरतने से पर्दा उठ रहा है। अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ही क्रिकेट के नाम पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाली पिछली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने अपने कार्यकाल में खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों के कल्याण तक जमकर भ्रष्टाचार किया है। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीसीसीआई ने हर साल राजस्थान क्रिकेट के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन तत्कालीन कमेटी ने आरसीए से संबंध एम्पायर, खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को लंबे समय से फीस का भुगतान नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक तरफ खेल से जुड़े खिलाड़ी, एम्पायर सहित पूरा स्टाफ एक एक रुपए को तरसता रहा, वहीं तत्कालीन कमेटी ने नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए का भुगतान वकीलों को कर दिया। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में आई आर्थिक, वित्तीय और भ्रष्टाचार के कारनामों की पूरी फहरिस्त तैयार करवा ली है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री को सौंपेगी। कई मामलों में फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज मिली है, हमने भी सीए से जांच करवाई है। कई चीजें ऐसी है जैसे जीएसटी के अंदर जो उस फर्म को काम दिया गया है उसके वो काम मेंशन ही नहीं है, कई फर्मों को एक्सपीरियंस भी नहीं है, कई फर्में ऐसी है जो काम कुछ करती है उनको काम कुछ दे दिया, इसलिए काफ़ी कुछ इररेगुलरिटीज हैं जिनकी सीए साहब जांच कर रहे हैं और उन इररेगुलरिटीज के हिसाब से एडवोकेट जो क्रिमिनल एडवोकेट हैं उनसे सलाह करके कानूनी कार्रवाई की जाए। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई जांच रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्रिकेट खेल को बेहतर बनाने के नाम पर नए स्टेडियम का निर्माण शुरू से ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया। चौंप स्टेडियम के निर्माण का कार्य ऐसी कंपनी को सौंपा गया जिसके पास भवन निर्माण का कोई अनुभव ही नहीं। सड़क निर्माण करने वाली छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को पूरे स्टेडियम की निर्माण की जिम्मेदारी नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी गई। स्टेडियम निर्माण के टेंडर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा और जो काम कंपनी को 300 करोड़ रुपए के टेंडर में आवंटित किया गया उसी कंपनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए उसी स्टेडियम के निर्माण काम की लागत बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी गई। जांच रिपोर्ट में क्रिकेट मैचों के आयोजन में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। वनडे इंटरनेशनल, इंडियन प्रीमियर लीग और राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजनों में भी बड़ी धांधली की गई है। इन मैचों के लिए तत्कालीन आरसीए कमेटी ने मैचों से संबंधित इवेंट के टेंडर जिन कंपनियों को सौंपे थे उन कंपनियों ने फर्जी सिस्टर कंसर्न्स कंपनियों के जरिए काम करवाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में हुई इस धांधली में मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था,
बाउंसर्स, स्टेडियम की सजावट, स्टेडियम का रख रखाव, टेंट डेकोरेशन, हाउस कीपिंग के साथ साथ मैचों में मनोरंजन के लिए नाचने वाली चीयर गर्ल्स के कामकाज में भ्रष्टाचार किया गया है। हमें राजस्थान क्रिकेट के भविष्य को जिंदा रखना है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आरसीए की मान्यता खत्म हो जाए। एफआईआर सबसे सरल और सबसे साफ तरीका है। जो लोग देखिए फाइनेंशियल जो भी करप्शन हुआ है वो किया तो आदमियों ने ही है, और ये कोई मानवीय भूल में शामिल नहीं होगा। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट एकेडमी की एडहॉक कमेटी की ओर से पिछली कमेटी के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ एडहॉक कमेटी मुकदमा दर्ज करवाएगी। वहीं बीसीसीआई की ओर से खेल और खिलाड़ियों के कल्याण की राशि में हुई लूट खसोट की जाँच के लिए केंद्र सरकार की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को भी जाँच करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए बात अब मौसम की, क्योंकि प्रदेश भर में इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से भले ही मेघराजा झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन झमाझम बारिश के दौर में भी पेयजल संकट की वजह से जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की नींद खराब हो रही है। बिसलपुर बांध के हालात तो ये हैं कि अगर जल्दी बांध का जलस्तर नहीं सुधरा तो गर्मियों से पहले ही चार जिलों की आबादी एक एक बूंद को तरस सकती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। लेकिन बीसलपुर बांध की प्यास नहीं बुझ पाई है। टोंक और अजमेर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण सभी बांध, तालाब, ताल, नदी नाले सब उफान पर हैं। लेकिन स्थानीय बारिश का पानी बीसलपुर की प्यास बुझाने में नाकाम रहा है। दरअसल बीसलपुर बांध में पानी का भराव इसके कैचमेंट एरिया के जरिए ही होता है। बांध का कैचमेंट एरिया का क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक, केकड़ी जिलों के 27,836 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब इन सभी जिलों में अच्छी बारिश होती है तो कैचमेंट एरिया के माध्यम से बांध में पानी पहुंचता है। कैचमेंट एरिया के बड़े हिस्से को अभी अच्छे मॉनसून का इंतजार है। बीसलपुर बांध में जलभराव के लिए भीलवाड़ा के मेनाल से निकलने वाली मेनाली नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी, राजसमंद से निकलने वाली बनास नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की कोठारी नदी, अजमेर जिले की खारी और डाई नदियों में जबरदस्त उफान आने पर ही बीसलपुर बांध में पानी पहुंचता है। जैसा सभी को विदित है कि इस समय बीसलपुर में जो त्रिवेणी नदी से जहाँ से पानी आता है, तो नदी से पानी नहीं मिल पा रहा है बीसलपुर को, तो करीब 310 मीटर का उसका लेवल चल रहा है। और अगर वहाँ बरसात नहीं होती है या कम होती है तो इस पानी को हम नवंबर तक ही सप्लाई कर पाएंगे। तो यदि बरसात होती है, पानी आता है जब, तो आगे उस हिसाब से प्लान करेंगे, नहीं तो फिर इस पर ये उच्च स्तर पर निर्णय करवाएंगे कि इसमें पानी की कटौती की जाए या अल्टरनेट दे दिया जाए, जो भी है इस पर निर्णय करवाएंगे। बीसलपुर बांध की पानी की आवक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 85% पानी की आवक अगस्त और सितंबर महीने में होती रही है। इसके लिए पहले कैचमेंट एरिया पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है, लेकिन इस बार बांध का कैचमेंट एरिया ही रिचार्ज नहीं हो पाया। ऐसे में बांध में पानी पहुंचने की उम्मीद भगवान भरोसे ही रह गई। जलदाय विभाग के इंजीनियर इसलिए परेशान है क्योंकि बीसलपुर बांध में मौजूदा जल स्तर के हिसाब से दिसंबर 2024 तक ही पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। बीसलपुर बांध में जल भराव की कुल क्षमता 38.5 टीएमसी है और अब बांध में करीब 13 टीएमसी पानी ही बचा है। एनजीटी के आदेशानुसार बांध में करीब 8 टीएमसी पानी जलीय जंतु और पर्यावरण की दृष्टि से बचाना अनिवार्य है, यानी करीब 5 से 6 टीएमसी पानी से ही राजधानी जयपुर, जयपुर जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी, अजमेर जिले, केकड़ी, दूधू, टोंक सहित दौसा जिले की आबादी को पेयजल सप्लाई करनी है। बांध में मौजूदा जल स्तर से सिर्फ दिसंबर तक की पानी सप्लाई किया जा सकता है। इन सभी जिलों को पेयजल आपूर्ति दिसंबर तक करने के लिए बांध से पानी सप्लाई की कटौती शुरू कर दी गई है। बांध से भीषण गर्मियों में जहां 560 एमएलडी पानी प्रतिदिन जयपुर के लिए जा रहा था, उसमें अब कटौती करते हुए 500 एमएलडी तक पहुंचा दिया गया है। 210.70 जो लेवल अभी कम है काफी,
और यदि यही लेवल हो जाता है तो फिर तो काफ़ी कुछ रिडक्शन करने होंगे, कटौती करनी होगी पानी जयपुर में, अजमेर में, सभी जिला लेवल से कटौती करनी होगी। उसके लिए मीटिंग होनी है बेसिकली। दो फ्रंट पे प्रयास होंगे, पहला तो है कि बीसलपुर से हमारे को जितना पानी ले रहे हैं विड्रॉल कर रहे हैं उसको हमें कम करना होगा, और हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं ट्यूबवेल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करके जो एग्जिस्टिंग है उनसे तो प्रोडक्शन लेना ही है, हो सकता है कुछ और ड्रिलिंग वगैरह भी करके पानी को ऑगमेंट करना पड़ेगा। बीसलपुर बांध पर राजधानी सहित सभी जिलों की 70% से ज्यादा आबादी निर्भर है और उतना पानी ना तो कंटिंजेंसी प्लान में लाया जा सकता है और ना ही बीसलपुर बांध के मौजूदा जल स्तर से लाया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने गर्मियों से पहले ही पानी का संकट भरी सर्दियों में ही पसीने ला सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।